ॐ यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। चलिए आगे देखिए। तो हम प्रमा का लक्षण किया जा रहा था अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्वम प्रमात्वम। ये प्रमा का लक्षण स्मृति के व्यापृत, मतलब जो लक्षण स्मृति में न जाए ऐसा जो प्रमा का लक्षण है अनधिगत, यानी जो अज्ञात अर्थ हो, अज्ञात अर्थ विषयक ज्ञान को प्रमा कहेंगे। जो अर्थ पहले से आपको ज्ञात है, जैसे हम बताए कि अग्नि ठंडी की दवा है, अग्नि हिमस भय सजम, आप बोलो ये तो मुझे भी पता है। ये जो मेरे कहने से आपको ज्ञान हो रहा है कोई प्रमा थोड़ी है, क्योंकि ये अधिगत विषयक है। ज्ञात विषयक जो ज्ञान होता है उसको प्रमा नहीं कहते, ठीक है। हाँ, तो इसलिए वो अनधिगत विषयक हो, जिस अर्थ को, जो अर्थ हमें पहले से अधिगत नहीं है, ज्ञात नहीं है, अनधिगत अज्ञात अर्थ विषयक जो ज्ञान हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रमा। जैसे किसी वस्तु को पहली बार देख रहे हो, अभी कभी देख लिए, कोई अभी 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 आपको ये दिखा दिया, हाँ ये लेखनी है, ते अनधिगत वस्तु विषय ज्ञान हुआ, इसे कहेंगे प्रमा। और अधिगत होने पर भी, अनधिगत होने पर भी बाधित अर्थ विषय ज्ञान, जैसे सर्प में रस्सी का ज्ञान, रस्सी में सर्प का ज्ञान हुआ, रस्सी में सर्प में रस्सी, रस्सी में सर्प, एक ही बात है, दोनों ही भ्रांति है। तो रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही थी, तो अनधिगत वस्तु विषय ज्ञान तो हुआ, किंतु बाधित है ना, बाधित अर्थ है। बाद में जाके परीक्षण करोगे तो आपको बाद नहीं आया, सर्प नहीं है, इसलिए उसको भी प्रमाण है, वो तो भ्रांति थी। प्रमाण मतलब यथार्थ ज्ञान। तो अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान को ही क्या कहा जाएगा? प्रमा। इसलिए प्रमात्वम किम? अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्वम, ये प्रमात्वम प्रमा का लक्षण हुआ। चलिए देखिए। और स्मृति साधारणम, तो कहीं कहीं बोलेंगे भाई स्मृति भी तो जो है प्रवृत्ति की जनक है। भोजन सामने आया, आपको मालूम है तृप्ति की जनिका है स्मरण से भी, तो भोजन में प्रवृत्ति होती है कि नहीं, कि कल मैंने भोजन किया था तृप्ति हुई थी, इसके पहले किया था तृप्ति हुई थी, ये तो पहले से ही पता है। तो भोजन से तृप्ति होती है, ये तो स्मरणात्मक ज्ञान है, तो भी उससे प्रवृत्ति हो रही है। तो कुछ लोग कहेंगे देखो स्मरणात्मक ज्ञान से भी प्रवृत्ति होती है, तो बोले भाई ठीक है, ऐसा एक लक्षण कर दे रहा है कि स्मृति में भी जाएगा। अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम स्मृति साधारण, जो स्मृति में भी जाएगी, स्मृति में भी ये लक्षण जा रहा है। और स्मृति को छोड़ना हो तो अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम, ये दो प्रकार से जो है प्रमा का लक्षण किया गया। देख लीजिए टीका में, तद व्यावृत्त यानी स्मृति आवृत्ति, स्मृत्यावृत्ति, स्मृति में जो लक्षण न जाए। तो स्मृति स्मृत्यावृत्ति प्रमा लक्षण कथन से युक्त तत्व हेतु मा, स्मृति में नहीं रखने वाले प्रमा का लक्षण जो है, प्रमा का लक्षण ऐसा कथन जो कि स्मृति में न रहे, वो तो युक्त नहीं है। देखो आप बता रहे ना, स्मृतिरपि अविसंवादी, इसके पहले तक हो गया था, हाँ चलो ठीक है। ननु स्मृतेरपि अविसंवादी प्रवृत्ति जनकत्वात्, स्मृति भी तो अविसंवादी यानी अविसंवादी यानी सफल प्रवृत्ति, विसंवादी कहते विफल प्रवृत्ति। जैसे आपको भ्रांति मरुभूमि में जल का ज्ञान हुआ, दौड़ करके गए व्यक्ति, तो वहाँ पे जो प्रवृत्ति हुई, आप उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको कहते
विषमवादी प्रवृत्ति, यानी संवाद अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण से वहाँ पे सम्मति नहीं मिलेगी, जो पहले देखा बाद में देखा तो मिला नहीं, तो विफल प्रवृत्ति उसको कहते विषमवादी प्रवृत्ति। और अविषमवादी मतलब सफल प्रवृत्ति, स्मृति से भी तो सफल प्रवृत्ति होती है, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो ये तो पता है कि इसको भोजन करने से हमारी तृप्ति मिलेगी, पानी पीने से तृष्णा की निवृत्ति होगी, ठीक है, कि हर बार सिखाना पड़ता है नया कि नहीं नहीं इसको पियो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तुम सूखते जा रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, वो तो स्मरण से भी देखो प्रवृत्ति हो जाती है। तो स्मृतेरपि अविसंवादी प्रवृत्ति जनकत्वात्, स्मृति भी अविसंवादी सफल प्रवृत्ति की जनक है, इसलिए तद व्यावृत्त प्रमाण लक्षण कथनम अयुक्तम, इसलिए स्मृति में नहीं रहने वाला ऐसा लक्षण का कथन करना ये तो ठीक नहीं है। हाँ देखो स्मृति आवृत्ति प्रमाण लक्षण कथन अयुक्त अयुक्तत्व हेतु महा, ठीक है, मैं थोड़ा पूर्ण विराम आदि करते हुए जाना, स्मृति आवृत्ति इत्यर्था के बाद पूर्ण विराम कर लीजिएगा, जिसकी पुस्तक आपकी पुस्तक में शायद होगा उनकी है ना, हम लोग कर लेंगे। तो स्मृति आवृत्ति प्रमाण लक्षण का कथन करना ये अयुक्त क्यों है, क्योंकि स्मृति से भी संवादी प्रवृत्ति होती है, इसमें स्मृति में नहीं रहने वाला लक्षण करना ठीक नहीं है। तो फिर यहाँ सिद्धांति ने कहा इति चेत, सिद्धांति कह रहा है देखिए शिखामणि में, नहीं प्रवृत्ति अंग प्रामाण्यम यह निरूपणीयम, बोले देखो हम प्रवृत्ति का अंग प्रमात्व का निरूपण, प्रामाण्य मतलब प्रमात्व, यहाँ प्रमाण में ल्युट प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ है, तो प्रमाण से भाव प्रामाण्य मतलब प्रमात्व, तो नहीं प्रवृत्ति अंग प्रामाण्यम यह निरूपणीयम, यहाँ जो हम जिस प्रमात्व का हम निरूपण कर रहे हैं, जिस यथार्थ ज्ञानत्व का निरूपण कर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान स्वरूप का हम कथन कर रहे हैं, वह प्रवृत्ति का अंग रूपी यथार्थ ज्ञान का निरूपण नहीं किया जा रहा है, बल्कि व्यावृत्ति व्यवहार अन्यतर प्रयोजनाय प्रमात्वस्य विधानात्, व्यावृत्ति और व्यवहार, व्यावृत्ति व्यवहारस्य लक्षणस्य प्रयोजनम, ठीक है, लक्षण का क्या प्रयोजन है, तो दो प्रयोजन, व्यावृत्ति और व्यवहार। व्यावृत्ति मतलब भेद ज्ञान, जैसे गंध लक्षण, गंध पृथ्वी का लक्षण क्या कर दिए गंधवत्वम, उसी गंधवत्व को हेतु बना करके भेद ज्ञान, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् यन्न एवं तन्न एवं यथा जल यथा जलम, व्यावृत्ति भेद ज्ञान हो गया कि नहीं, गंध जहाँ जहाँ गंध है वह हुआ अन्य से आठ से भिन्न है वह पृथ्वी है, तो व्यावृत्ति का भेद का ज्ञान हो गया और व्यवहार होगा, देख लिया इसमें गंध आ रहा है ये पृथ्वी है, व्यवहार मतलब ज्ञान रूपी व्यवहार, शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार, देखो ये पृथ्वी है, आपको ज्ञान भी होगा हाँ देखो इसमें गंध है इसलिए पृथ्वी है। तो व्यावृत्ति और व्यवहार ये दो प्रयोजन होता है लक्षण के प्रयोजन करने, लक्षण करने का लक्षण इसलिए किया जाता है व्यावृत्ति हो, जैसे इसको आपको मालूम है यहाँ शब्द आकाश का गुण है, देखो ये आकाश है, ऊपर जो दिख रहा है खाली स्थान ये आकाश है, क्योंकि ये शब्द गुण वाला है, इदम आकाशम इति व्यवहर्तव्यम शब्दाधिकरणत्वात्, इस तरह से देखो भेद ज्ञान और व्यवहार भी कर लेते हैं, ये आकाश है, तो मतलब क्या है व्यावृत्ति और व्यवहार, इतर के भेद का अनुमान और व्यवहार करना, यही लक्षण का प्रयोजन है। तो हम केवल प्रवृत्ति का अंग कि इसको जानने से फिर प्रवृत्ति हो जाए, प्रवृत्ति के अंग प्रमा का प्रमाद का लक्षण नहीं किया जा रहा है, बल्कि व्यावृत्ति और व्यवहार रूपी अन्यतर प्रयोजन के लिए प्रमात्व से विधानात्, देखिए व्यावृत्ति व्यवहार अन्यतर प्रयोजनाय प्रमात्व से विधानात्, इसलिए वह प्रमा का जो लक्षण है अनधिगत बाधित अर्थ विषय ज्ञानत्व, ऐसा लक्षण ये ठीक है। स्मृतौ अति व्याप्ति वारणाय अनधिगत इति विषय विशेषणम्, अनधिगत और अबाधित दोनों अर्थ का विशेषण है, अर्थ यानी विषय, अनधिगत अबाधित विषय विषयक जो ज्ञान, ऐसा अर्थ विषय होना चाहिए जो पहले से ज्ञात न हो और जो बाधित न हो, तद विषयक ज्ञान, उस विषय विषयक ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। तनधिगत पद क्यों के विषय का विशेषण दिया गया, स्मृति में अति व्याप्ति न हो, हाँ ठीक है, हम यहां तक देख लीजिए पहले,
अविसंवादी मतलब सफला इत्यर्थ है, सफल प्रवृत्ति के का जनक तो स्मृति भी है, तो स्मृति में नहीं जाए ऐसा लक्षण क्यों करते हो। तो समाधान दिया कि यहाँ पे हम प्रवृत्ति का अंग रूपी प्रमा का निरूपण नहीं कर रहे, बल्कि व्यावृत्ति और व्यवहार अन्यतर प्रयोजन के लिए प्रमा का निरूपण कर रहे। तो व्यवहार तो मतलब स्मृति को छोड़ करके प्राय करके होता है, तो प्रवृत्ति का अंग भले स्मृति हो किंतु स्मृति में प्रमात्व तो व्यवहार नहीं होता। भाई आप जो है वो मेरी माता थी, वो ये तो कोई नया ज्ञान थोड़ी है, वो मेरी माता थी, वो हमारे गुरु जी थे, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। चलिए देखिए, हाँ टीका में सफला इत्यर्थ के बाद पूर्ण विराम कर देना फिर से। हाँ, नियत सफल प्रवृत्तित्वावच्छिन्न प्रवृत्ति प्रति, नियत और सफल प्रवृत्ति जितनी भी प्रवृत्ति है, प्रवृत्तित्वावच्छिन्न सकल प्रवृत्ति के प्रति प्रमा ज्ञान कारणम, उसके प्रति प्रमा ज्ञान कारण है। इति प्रवृत्ति साधान्यम प्रामाण्यम अस्मिन् ग्रंथे न निरूपणीयम, न अलग कर लेना। इस ग्रंथ में प्रवृत्ति का जो साधन है ना, कि जैसे बता दिया कि वो याद करके हाँ कल भोजन किया था तृप्ति मिली थी, इस भोजन से भी तृप्ति मिलेगी इसलिए मैं इसको खा लूँ, तो ऐसा जो है प्रवृत्ति का साधन प्रामाण्य का इस ग्रंथ में निरूपण नहीं किया जा रहा है। इति अभिप्रेत्य है, इसलिए दे दिए कि हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ग्रंथे के बाद अलग से न को अलग कर दीजिए, वो सप्तमी है, ग्रंथे न नहीं, जोड़ करके दिया है ना। अच्छा, उसको न को अलग कर दीजिए, तो प्रवृत्ति साधान्यम साधनम प्रामाण्यम अस्मिन् ग्रंथे न निरूपणीयम इति अभिप्रेत्या। ये सब क्या है कि पहले ऐसे ही जोड़ के लिखते चले जाते थे, और पहले बहुत विद्वान लोग होते थे, बहुत ज्यादा, उनको कोई जरूरत ही नहीं थी सब। अब आजकल के लोग थोड़ी अल्प बुद्धि होती जा रही है, इसलिए कई जगह तो ज़्यादा मेहनत इस वजह से भी पड़ जाता है। अब जोड़ अलग अलग करके लिखे, अब अभ्यास तो यही हो गया ना हम लोग, तो इसलिए थोड़ा कम मेहनत पड़ता है। अब ऐसे जगह पे तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत पड़ेगा, वही अलग भी करना है, समझाना भी है। चलिए देखिए, तो इतनी अभिप्रेत्या है, तो यहाँ पे हाँ देखिए आगे। हाँ वही तृतीय पहले मैं भी समझा था, लेकिन बाद में संगत नहीं लगा, ना जरूरत है ना। हाँ चलिए देखिए आगे, तो देखो व्यावृत्ति क्या है। तो बोले यहाँ व्यावृत्ति और व्यवहार के लिए लक्षण किया जा रहा है। तो व्यावृत्ति का क्या मतलब, व्यावृत्ति का क्या मतलब देखो स्वयं दिखा रहे। प्रमा पद वाच्या स्वेतरेभ्यो भिद्यते प्रमात्वात् यन्नैवं तन्नैवं ये अप्रमावत्। ये देखो व्यतिरेकी दृष्टांत, प्रमात्व प्रमापद वाच्या, प्रमापद का वाच्य जितना भी यथार्थ ज्ञान है, स्वेतरेभ्यो विद्यते। चलो भाई आत्मा आत्मा आत्मानंद जी, स्व से इतर कौन होगा, स्व स्व से इतर कौन होगा ये बताओ। स्व से लेगो जो पूर्व में कहा जाता है उसी को स्व से, जैसे जो है आत्मानंद जी लंबे से है, और इनसे जो इतर तो उन स्व से इतर, तो स्व से वही आपको ही पकड़ा जाएगा। आप बताओ भाई रितानंद जी, रित यानी सत्य, जो बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। चलिए आप बोल दीजिए। हाँ इतर हो गया, देखो अयथार्थ प्रमा से भिन्न हो गया अयथार्थ, ठीक है। चलिए तो प्रमा पद वाच्य स्व इतर, स्व यानी प्रमा, प्रमा से इतर अप्रमा, जितनी भी अप्रमा में से भिन्न है। और अप्रमा में तो तीन भेद तर्क संग्रह में आया है, चलो आप बताओ अप्रमा के तीन भेद, यथार्थ अनुभव तीन प्रकार के क्या। हाँ सही सही, हाँ सही, तीन है, संशय विपर्य और तर्क। तर्क को भी अप्रमा में ही लिया जाता है, अरे यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो ये भी तो अप्रमा ही है, यदि वाणी नहीं होती तो धूम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको तो पता है वह वाणी है, तो तर्क भी अप्रमा ही होता है। तर्क कोई जो है, फिर उसको तर्क को क्यों लिया जाता है आप बता दो, तर्क को क्यों जो है, तर्क जब अप्रमा है तो तर्क को इतना निरूपण क्यों होता है, तर्क संग्रह क्यों पढ़ते हो फिर। प्रमाण का पोषक है,
तर्क दे करके उसको जो है प्रमाण का अनुग्राहक विपरीत व्यभिचार शंका की निवृत्ति करने के लिए देना ही पड़ेगा, है ना, इसलिए वो देना पड़ता है भले यथार्थ है। तो प्रमा से प्रमापद वाच्य स्वेतरेभ्यो विद्यते, स्व यानी प्रमा से इतर हो गया प्रमा, संशय विपर्य तर्क भेद तर्क, इनसे भिन्न है प्रमापद वाच्य, प्रमापद का जो अर्थ है इन तीनों से भिन्न है, क्यों, प्रमात्वात्, क्योंकि इसमें प्रमात्व रहता है, यन एवं तन एवं, चलो व्याप्ति घटाओ विशुद्धानंद जी, यन एवं तन एवं, हाँ सही है, यत्र यत्र स्वेतर भेदो न तत्र तत्र प्रमात्वम न, कहाँ पे तीनों में ले लो, इन तीनों स्व से इतर तीन हो गए, तीन में तीन का भेद रहेगा क्या, उनमें उनका भेद नहीं रहेगा, वहां प्रमात्व भी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रमात्व है प्रमा में, इसलिए उन तीनों का भेद मानना पड़ेगा। इस तरह से यन एवं तन एवं, यद साध्यवत न तद हेतु मत न, जहां साध्य नहीं है वहां हेतु भी नहीं है, इत्यादि इतर भेदानुवृत्ति नुमिति, इत्यादि इतर भेद की अनुमिति, यही है व्यावृत्ति, व्यावृत्ति मतलब इतर भेद ज्ञान, इतर से भेद का ज्ञान, और व्यवहार मतलब व्यवहार से दो बता दिया, शब्द प्रयोग करना अर्थ ज्ञान होना, जैसे आपको दिखा दो ये लेखनी है, ज्ञान हो रहा है कि नहीं, ज्ञान होना भी एक व्यवहार है, और फिर ज्ञान हुआ तो शब्द भी प्रयोग करोगे आप, यह भी एक व्यवहार है, चार प्रकार के व्यवहार है मालूम है, अभिज्ञा अभिवदन अनुपादान और अर्थक्रिया कारित्वम, ये चार प्रकार का व्यवहार होता है। चलो देखो आगे, तो आगे अनिर्वाह आगे देखिए, शिखामणि देखिए, पहला एक विशेषण का प्रयोजन देखे दिखा दिया गया, अनधिगत अनधिगत पद नहीं देंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी स्मृति में, अब अबाधित पद नहीं देंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी ब्रह्म में, देखो अनिर्वचनीय विषय भ्रमे, अनिर्वचनीय विषय है रज्जु में दिखने वाला सर्प, अनिर्वचनीय यानी उसका न निर्वक्तुम शक्यम इति अनिर्वचनीयम, निर्वचन नहीं किया जा, सद है क्या वहाँ दिखने वाला सर्प, सद है क्या, सद नहीं क्योंकि बाधित होता है, असद भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रतीत होता है, उभय नहीं कह सकते क्योंकि विरुद्ध है, इसलिए सद भी नहीं असद भी नहीं उभय भी नहीं बल्कि अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय विषय भ्रमे, अनिर्वचनीय विषय का जो भ्रम होता है सर्प का भ्रम रजत का भ्रम, उन भ्रम में प्रमा के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो जाए, क्योंकि वह भी तो अनधिगत विषयक है, अनधिगत पहले नहीं देखे थे वो भ्रांति काल में दिखता है, इसलिए अनधिगत विषयक ज्ञान हुआ विषय विषयक ज्ञान हुआ वह अतिव्याप्ति होगी, इसके लिए दे दिए गए अबाधित विषय विषयक ज्ञान, अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान, इसलिए उक्तम वारणार्थम अनिर्वचनीय विषय भ्रमे अतिव्याप्ति वारणार्थम उक्तम अबाधित इति, अबाधित ऐसा पद दे दिए। टीका में देखिए स्वयं विग्रह दिखा, अनिर्वचनीय चासो विषयो इति अनिर्वचनीय विषय, हाँ उस तत्र यो ब्रह्म, उस अनिर्वचनीय विषय में जो ब्रह्म, विषय में ब्रह्म मतलब विषय विषयक जो ब्रह्म, यहाँ भी सप्तमी का अर्थ लेना विषय सप्तमी, उस विषय विषयक जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में क्या होता, प्रमा के लक्षण की अतिव्याप्ति होती, उसका वारण करने के लिए क्या पद दिया गया, अबाधित पद दिया गया। अब अबाधित पद देने से ब्रह्म के तो विषय का तो बाध होता है, इसलिए ब्रह्म बाधित हो जा, ब्रह्म का बाध विषय, ब्रह्म का बाध का मतलब विषय के बाध से ब्रह्म का बाध, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं हुआ था, ज्ञान तो हुआ ही था, सर्व स्वप्न आपने देखा वहाँ ज्ञान तो हुआ, वहाँ सुख दुख अनुभव किए, लेकिन जागृत में आए तो आप क्या कहो, मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ा लेकिन कुछ था ही नहीं, बहुत कुछ देखा वहाँ पे लेकिन कुछ है ही नहीं, ज्ञान तो हुआ लेकिन उसका विषय बाधित होने की वजह से कहा जाता है ज्ञान बाधित हो गया, ज्ञान तो हुआ ही है ऐसी बात नहीं ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसका विषय बाधित होने की वजह से ज्ञान को भी बाधित कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक विग्रह अथवा एक दूसरे प्रकार से विग्रह दे रहे मणिप्रभा, यद्वा यद्वा यानी अथवा, अनिर्वचनीयो विषयो यस्य यस्य भ्रमस्य स भ्रम, अनिर्वचनीय विषय विषय भ्रम, अनिर्वचनीय विषयक भ्रम, स चासो ब्रह्मस्य, फिर कर्मधारे कर लो, ऐसा जो ब्रह्म
अनिर्वचनीय विषय वाला भ्रम, तो तत्र उस ब्रह्म में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अबाधित पद दिया गया। आगे नच ब्रह्मस्य देशांतर वृत्ति ज्ञात विषयकत्वेन अनधिगत अर्थ विषयकत्व से अभावत कथम तत्र अतिव्याप्ति। देखो अब न्याय मत आ रहा है, न्यायिक कहेगा कि जो ब्रह्म होता है वो अभी तो ज्ञात विषयक ही होता है, अज्ञात विषयक तो नहीं होता। वो लोग ज्ञान लग, वो क्या मानते हैं ना, हट्टस्थ रजत यहाँ दिख रहा है। हट्टस्थ रजत जो जंगल में हमने सर्प देखा था वो रस्सी में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई वहाँ का सर्प? बोले वो अलौकिक सन्निकर्ष, पूर्व का जो रस्सी में उस सर्प का कुछ सादृश्य है, सादृश्य को देख करके वो वाला संस्कार क्या हो गया, उद्भूत हो गया। तो ये जो उद्भूत संस्कार हो वाला जो ज्ञान हो गया ना स्मरणात्मक ज्ञान, वह स्मरणात्मक ज्ञान ही चक्षु के लिए सन्निकर्ष बन गया, अलौकिक सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष इसको कहा जाता है। तो रस्सी में जो सर्प दिख रहा है कौन से सन्निकर्ष से दिख रहा है? ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से, अलौकिक सन्निकर्ष से दिख रहा है। तो इसी प्रकार हट्टस्थ रजत दिख रहा है यहाँ सामने वाले सुक्ति में, तो मतलब वो ज्ञात अर्थ ज्ञात है। तो हमने पहले दे दिया अनधिगत, अनधिगत कहने से ही वो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से जो भ्रांति हो रही वहां पे तो अतिव्याप्ति होगी नहीं, इसलिए भ्रांति में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अबाधित पद देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो है तो भ्रांति तो ज्ञात विषयक होती है। वही कह रहे हैं न च ब्रह्मस्य देशांतर वृत्ति ज्ञात विषयकत्वेन, अन्य देश में रहने वाला जो विषय पहले हमने देखा था उसका संस्कार उद्भूत होकर के सादृश्य को देख करके संस्कार उद्भूत हुआ और फिर स्मरण हो गया वो ज्ञान, तो स्मरणात्मक ज्ञान ही सन्निकर्ष बन गया। इसलिए भ्रांति स्थल पे अधिगत विषय ज्ञान होता है, इसलिए अनधिगत पद देने से ही ब्रह्म में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो देशांतर वृत्ति विज्ञात विषयकत्व अनधिगत अर्थ विषयकत्व से अभाव, भ्रांति में तो अनधिगत विषयकत्व हुआ, फिर क्या हुआ? अधिगत विषयकत्व आया भ्रांति में, इसलिए कथम तत्र अतिव्याप्ति। इसलिए आप अधित पद नहीं देने से भी कैसे अतिव्याप्ति होगी? सिद्धांति करा इति न च वाच्यम्, ऐसा मत कहो, ब्रह्मात् पूर्वम, ब्रह्म से पहले ब्रह्म कालीन उत्पत्ति मद अनिर्वचनी रजतादि विषयक ज्ञानाभावेन, ब्रह्म से पहले ब्रह्मात् पूर्वम, ब्रह्म कालीन जो उत्पत्ति मद है अनिर्वचनीय विषय, वेदांत में क्या है अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास, अर्थ का भी अध्यास हुआ और ज्ञान का भी अध्यास हुआ, ये दोनों किसका परिणाम होता है? अविद्या का परिणाम। यानी जो है रस्सी में रस्य रज्जो छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है, रज्जु जिस विषय देश में विषयावच्छिन्न चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या, तो अचैतन्य में अविद्या है, उस अविद्या का मतलब आपने उसको रज्जु रूप से नहीं जाना, तो रज्जो अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या सादृश्य आदि की वजह से वह अविद्या का परिणाम हो जाएगा सर्प ज्ञान और सर्परूपी विषय, सर्परूपी विषय और सर्परूप सर्प ज्ञान दोनों रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का परिणाम है। सर्प ज्ञान को कहेंगे ज्ञानाध्यास और उस भ्रांति के विषय सर्प को क्या कहेंगे? अर्थाध्यास। इसलिए ब्रह्मात् पूर्वम, ब्रह्म से पहले ब्रह्मकालीन उत्पत्ति मद, ब्रह्म काल में जिसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति वाला कौन हो गया? अनिर्वचनी रजतादि, उस अनिर्वचनी जिस रजत की उत्पत्ति भ्रांति काल में हो रही है, ब्रह्म से पहले वो नहीं है, भ्रांति काल में जिसकी उत्पत्ति हो रही रजतादि, उस रजतादि विषयक ब्रह्म से पहले है क्या? नहीं। तो विषयक विषय विषय ही नहीं, विषयक ज्ञान रहेगा क्या? जिस रजत की उत्पत्ति भ्रांति काल में हो रही है ऐसे अनिर्वचनी रजत विषयक ज्ञान ब्रह्म से पहले है क्या? नहीं है। इसलिए ब्रह्म से ज्ञात विषयकत्व रूप अधिगत विषयकत्व से अभाव, ब्रह्म में ज्ञात विषयकत्व रूपी अधिगत विषयकत्व है? नहीं है। इसलिए भ्रांति भी अनधिगत विषयक ही है, क्योंकि भ्रांति का जो विषय है रजत आदि वह ब्रह्म काल में ही उत्पन्न होता है,
अविद्या का ही परिणाम दोनों होता है, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास। इसलिए भ्रांति से पहले जब विषय ही नहीं है तो उसका ज्ञान कहां से होगा। इसलिए वहां पे जो भ्रांति भी अधिगत विषयक हुई कि अनधिगत विषयक हुई, अनधिगत विषयक हुई, इसलिए लक्षण की अति व्याप्ति हो गई। उसका वारण करने के लिए हमको अबाधित ऐसा अर्थ का विशेषण देना पड़ेगा। इसलिए तो ज्ञात विषयकत्व रूप अधिगत विषयकत्व से अभावात अनधिगत अर्थ विषयकत्व से भ्रमे सत्वात, अनधिगत अर्थ विषयकत्व भ्रम में भी आ गया, क्योंकि भ्रम भी अनधिगत अर्थ को विषय करने वाला है। इसलिए वहां पे अति व्याप्ति का वारण करने के लिए क्या विशेषण दिया गया, अबाधित पद दे दिया गया। आगे देखिए फिर ज्ञान पद क्यों दिया गया। अब इसके बाद भी जो है सत्वाद इति, हाँ सत्वाद इति के बाद फिर से पूर्ण विराम कर दीजिए तत्र से पहले, हाँ तत्र। आगे देखिए ज्ञान पदम, बोले अब इतना देने से ही ज्ञान पद क्यों दिया गया। तो ज्ञान देखो, ज्ञान पदम स्वरूप कथनार्थम, अनधिगत अर्थ विषयक कौन है वो ज्ञान ही होता है। ये है तो भी स्वरूप ज्ञान के लिए कि वह कौन है, स्वरूप का कथन करने के लिए अनधिगत अर्थ विषयक ज्ञान है। अगर ज्ञान पद नहीं भी देते ना तो भी कोई अव्याप्ति अति व्याप्ति नहीं थी। फिर कहेंगे नहीं नहीं ये तो विषय तो कई चीजों के होते हैं, ज्ञान इच्छा कृति संभावना है ना, ये सब तो सब विषयक होते हैं। ज्ञान भी सब विषयक, इच्छा भी सब विषयक, कृति भावना ये सब तो सब विषयक होते हैं। तो अगर हम ज्ञान पद नहीं देंगे तो इच्छा में अति व्याप्ति हो जाएगी। बोले नहीं, इच्छा कभी अज्ञात विषयक नहीं होती, इच्छा कभी भी ज्ञात विषयक ही होती है, कृति कभी भी ज्ञात विषयक ही होती है। अज्ञात विषयक कृति कुछ भी कर लूंगा, अरे कुछ भी क्या जो है, जान करके करोगे कि प्रयत्न करोगे, बिना जाने थोड़ी। हाँ तो इसलिए जान करके ही व्यक्ति कुछ न कुछ सामान्य रूप से ज्ञान तो रहेगा। इच्छा भी है सामान्य रूप से, अथवा विशेष रूप से ज्ञान है तभी इच्छा होगी, क्योंकि विषय सौंदर्य से ही इच्छा होती है। विषय ये बड़ा अच्छा है, इससे मुझे बहुत सुख मिलेगा, यही सब जान करके तो इच्छा होती है। इसलिए इच्छा कभी भी अज्ञात विषयक होती है क्या? कृति कभी भी अज्ञात विषयक होगा, और संस्कार कभी भी अज्ञात विषयक होगा। अनुभव से तो संस्कार होता है, अज्ञात विषयक कैसे होगा संस्कार। इसलिए देखिए इच्छा कृति संस्कार आदि विषयक तो संस्काराणाम अनधिगत पदे न वारणा। इच्छा कृति संस्कार ये तो अनधिगत पद से ही वारण हो गया, क्योंकि ये सभी के सभी अधिगत विषयक होते हैं। तो भी ज्ञान पद क्यों दिया गया, स्वरूप कथन के लिए, कोई अव्याप्ति अति व्याप्ति का वारण करने के लिए नहीं। अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान ही होता है, ये स्वरूप कथन के लिए दे दिए, कोई अव्याप्ति अति व्याप्ति का वारण करना नहीं है। अथवा एक दूसरे प्रकार से ज्ञान पद देना सार्थक है, इसको दिखा रही दुआ। अथवा चक्षुरादीनाम अपी फल द्वारा घटा दि विषय तभ्युपगमान। देखो फल यानी ज्ञान, चक्षु से क्या रूप का ज्ञान हुआ, द्रव्य का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान के माध्यम से चक्षु भी घट विषयक हो गया कि नहीं। ज्ञान का विषय अगर घट है तो उस ज्ञान का जनक चक्षु का भी विषय घट हो गया। इसलिए चक्षुरादीनाम अपी फल द्वारा, फल यानी ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से घटादि विषय तभ्युपगमत, ज्ञान के माध्यम से चक्षुरादि भी घटादि विषय तो उनमें माना जाता है। इसलिए अनधिगत अबाधित अर्थ विषय के ज्ञान, अर्थ विषय कौन हो गए, चक्षु हो गए ज्ञान के माध्यम से। लक्षण कर रहे हो ज्ञान का, चले गया चक्षुरादि इंद्रियों में, क्या दोष होगा, अतिव्याप्ति। तत्र तत्र का अर्थ टीका में चक्षुरादौ, चक्षुरादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या दिया गया, ज्ञान इति ज्ञान पद, ज्ञान पद देना है दिया है। अब ज्ञान भी जो है उसका कई व्युत्पत्ति होती, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, करण व्युत्पत्ति ले लोगे तो बुद्धि अर्थ हो जाएगा। जानाति अस्मिन इति ज्ञानम, जिसमें जानता है, तो नहीं या एक लोग आत्मा में जानता है, आत्मा में ज्ञान होता है, अथवा विषय में ज्ञान होता है वहां भी ज्ञान होता है, अथवा अंत वेदांत में अंतःकरण में ज्ञान होता है, तो वहां पे ही चले गया लक्षण।
इंद्रियों को ले ज्ञायते, अनेन इंद्रियों को भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बोले वे सब नहीं लेना, बल्कि ज्ञप्तिर ज्ञान भाव व्युत्पत्ति लेना। देखो आगे दे रहे, अतः अतः ज्ञान पदेन भाव व्युत्पत्तिया ज्ञप्तिर विवक्षितत्वात्। ज्ञान पद के द्वारा, अच्छा पहले पहले सीखामढ़ी देखिए, ज्ञप्तिश्चात्र चात्र चाक्र नहीं चात्र, ज्ञप्तिश्चात्र भाव व्युत्पत्तिया विवक्षिता ज्ञानेति के बाद, यहाँ व्यात्र यानी यहाँ इस प्रकरण में भाव व्युत्पत्ति लेकर के ज्ञान का अर्थ लेना ज्ञप्ति ही, ज्ञप्तिर ज्ञान भाव व्युत्पत्ति लेना, करण करण अधिकरण लेने से चक्षुरादि अतिव्याप्ति हो जाती। अतो न करणे तत्र अतिव्याप्ति, इसलिए अतः न तत्र तत्करणे, ज्ञान के करण चक्षुरा तत्र यानी चक्षुरादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ ज्ञप्तिर ज्ञानम ऐसा लिए, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम ऐसा नहीं ले रहे। टीका में देखिए, अतः यानी ज्ञान पदेन भाव व्युत्पत्त्यार ज्ञप्तेर विवक्षितत्वात्, अतः शब्द का अर्थ हो गया। टीका में दिए मणिप्रभा, ज्ञान पद के द्वारा भाव व्युत्पत्ति से ज्ञप्ति विवक्षित है, इसलिए न तत्करणे, तत्करणे मतलब प्रमाकरणे तत्र यानी चक्षुरादौ अतिव्याप्ति न, अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा टीका में ही आगे देखिए, मणिप्रभा में ही आगे देखिए, ननु स्मृति निष्ठम अप्रामाण्यम अंगीकृतम चेत, बोले स्मृति में अगर आपने अप्रामाण्य मान लिया इस लक्षण के अनुसार तो नहीं प्रामाण्य नहीं है, तो स्मृति में अगर अप्रामाण्य मान लिया तो तरही तब तो स्मृति ज्ञानानाम अप्रमात्वेन, स्मृति ज्ञान सभी क्या हो गए अप्रमा रूप हो गए, इसलिए सफल प्रवृत्ति जनकत्व न स्यात्, सभी स्मृति ज्ञानों में सफल प्रवृत्ति जनकत्व रहेगा तब तो भोजन देख करके भाई ये तो प्रमा ज्ञान नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं है, ये भ्रांति ज्ञान है, कुछ भी सामने आए ये तो भ्रांति ज्ञान, इसमें जो भोजन तो भोजन ज्ञान तो यथार्थ है किंतु भोजन तृप्ति का जनक है, ये सब स्मरणात्मक ज्ञान है, क्योंकि अभी जो भोजन सामने है वो तो खा के आपने देखा नहीं है कि खा के देख करके बताओ भाई खा लूँ पेट भर इसके बाद बताऊंगा कि तृप्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता, तो वहाँ सफल प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सफल प्रवृत्ति जनकत्व न स्यात् न च इष्टापत्ति रीति वाचम, बोले सफल प्रवृत्ति जनक नहीं है कोई बात नहीं इष्टापत्ति है, बोले ऐसा मत कहो, स्मृति नाम सफल प्रवृत्ति जनकत्व से सर्वे स्वीकृतत्वात्, सभी लोग स्वीकार करते स्मृति भी सफल प्रवृत्ति की जनक है, तभी हम भोजन में प्रवृत्त होते हैं, पानी पीने में प्रवृत्त होते हैं, कपड़ा पहनने में प्रवृत्त होते हैं, हाँ स्नान करने में प्रवृत्त होते हैं, अगर स्मृति जो है उसको प्रमाण नहीं मानोगे, सफल प्रवृत्ति जनकत्व नहीं मानोगे तब तो भोजन वस्त्र धारण स्नान पान गमन किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इत्यासंख्या स्मृतौ अपि यदि प्रामाण्य, अब देखिए शिखामणि, स्मृतौ अपि यदि प्रामाण्य व्यवहारस, यदि स्मृति में भी प्रामाण्य व्यवहार आप मानते हो तदा तत् साधारणम लक्षणम, इसलिए तत् स्मृति साधारण लक्षण दूसरा दे दिए, अनधिगत पद को हटा दो, अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्वम ये प्रमा का लक्षण, अगर प्रवृत्ति के अंग रूप से ले रहे हो तो ये वाला लेना, और व्यावृत्ति और व्यवहार के लिए ले रहे हो तो पहले वाला लक्षण अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्व। टीका में देखिए, तत्साधारण में स्मृति वृत्ति, स्मृति में रहने वाला जो लक्षण है, परम मूल्य स्मृति साधारणम इति, परम मूल में भी जो दी स्मृति साधारण उसका भी अर्थ लेना स्मृति वृत्ति इत्यर्थ। आगे सीखामढ़ी एक पंक्ति रह गई, स्मृति इति इच्छादव अति व्याप्ति वारणय ज्ञानत्वम इति उक्तम, स्मृति में जाने वाला लक्षण अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्वम, इच्छा इच्छा आदि भी तो अबाधित अर्थ विषय ही होते हैं, तो बोले कि नहीं वह इच्छा आदि के में अति व्याप्ति को वारण करने के लिए ज्ञानम अबाधित अर्थ विषय ज्ञानम, ऐसा जो है ज्ञानत्वम अर्थ विषयक ज्ञानत्वम, इस तरह से ऐसा लक्षण हो गया। आगे देखिए अगला शिखामणि, ननु एकस्मिन् घटे प्रत्यक्षेण यदा निरंतराणि ज्ञानानि उत्पद्यन्ते, एक ही घट में लगातार 5 मिनट आप देखिए घट है या घट है, जैसे गंगा जी के सामने से खड़े हो गए, यम गंगा यम गंगा यम गंगा, लगातार ज्ञान होता है, धारावाहिक वृत्ति होती है ना, धारावाहिक स्थल पे धारावाहिक ज्ञान, ऊपर में बताया गया इच्छाकृत संस्कारानां,
अरे वो नहीं, स्मृति साधारण जो दूसरा लक्षण की उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए वो वाले तो हो चुका है, वो अनधिगत पद हटा दिए स्मृति के लिए। चलो देखो आगे। ननु एकस्मिन् घटे प्रत्यक्षेण यदा निरंतराणि ज्ञानानि उत्पद्यन्ते। एक ही घट सामने है, अयम घट अयम घट अयम घट, बारंबार ज्ञान हो रहा है। गंगा जी के सामने खड़े, ये गंगा है ये गंगा है ये गंगा है, ज्ञान भले आप बोलते नहीं है ऐसा, तो ये अंदर ज्ञान होते रहता है बारंबार। मैं ऐसे चलते रहता है ना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलते रहता है भले बोलते नहीं है। तो ऐसे जो है जहाँ धारावाहिक ज्ञान हो रहा है, एक ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान हुआ गंगा जी का, अधिगत विषयक हुआ, अधिगत विषयक हो गए, तब तो दूसरे वाले ज्ञान में धारावाहिक चल रहा है ना, ज्ञान की धारा चल रही है। पहले ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान हुआ, दूसरे ज्ञान में वो तो अधिगत विषयक हो गया, गंगा जी को आप जानते हैं, तद विषयक हो गया। तीसरे ज्ञान में भी अव्याप्ति, चौथे ज्ञान में अव्याप्ति, इन सभी ज्ञानों में प्रमा के लक्षण की क्या हो जाएगी, अव्याप्ति। एकस्मिन् घटे ये प्रत्यक्षेण यदा निरंतराणि ज्ञानानि उत्पद्यन्ते। निरंतर लगा अयम घट अयम घट अयम घट, तो सब तो अधिगत विषयक हो गए, ज्ञात विषयक हो गए, तब तो अव्याप्ति हो जाएगी। तत्र द्वितीयादि ज्ञानेषु पूर्व पूर्व ज्ञान विषय कृतार्थेषु, द्वितीयादि जो ज्ञान है पूर्व पूर्व ज्ञान के द्वारा विषयीकृत अर्थ अर्थक है। पूर्व पूर्व ज्ञान ज्ञानेन विषयीकृतो अर्थो एसाम द्वितीयादि ज्ञानानां, तानि द्वितीयादि ज्ञानानि पूर्व पूर्व ज्ञान विषयीकृतानि विषयीकृतार्थानि तेषु, पूर्व पूर्व ज्ञान के द्वारा विषयीकृत अर्थ वाले है द्वितीयादि ज्ञान। तो सब द्वितीयादि ज्ञान क्या हो गए, अधिगत विषयक हो गए। इसलिए लक्षण की प्रमा के लक्षण की अव्याप्ति, प्रथम लक्षण से अव्याप्ति ही, प्रथम लक्षण की अव्याप्ति हो गई द्वितीयादि ज्ञानों, धारावाहिक स्थल पे द्वितीयादि ज्ञानों। त्या सिद्धांति उस शंका का समाधान कर रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है, अव्याप्ति नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इत्यताह, मूल देखिए, मूल में वेदांत परिभाषा, निरूपस्यापि कालस्य, निरूप दीर्घ होना चाहिए ह्रस्व होना चाहिए, हाँ तो दीर्घ कैसे है, चलो बोलो, हाँ ढालो पे पूर्व से दीर्घ होना ठीक है, रोरी लगा करके ढालो पे, क्योंकि निर है, निर्गतम रूपम यस्मात कालात स काल निरूप, तो निर रूप एक रकोलोप कर दो दीर्घ हो जाएगा। तो निरूपस्यापि कालस्य, काल में कोई रूप है क्या, दिक् काल ईश्वर आत्मा इन सब में रूप है, सब निरूप है, काल भी निरूप है। ऐसा नहीं समझा, बोले सुबह सुबह लाल दिखता है, शाम को भी तो थोड़ा लाल ही दिखता है, तो सूर्य की रोशनी लाल दिखती है, काल थोड़ी लाल पीला है, काल तो निरूप है। तो काल निरूपस्य अपि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन, जो निरूप काल है उसको इंद्रिय वेद्य माना गया है, इसलिए कुमारिल भट्ट ने नहीं, भर्तृहरि वाक्य जी ने वाक्यपदी में न सोचति प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासते, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जिसमें काल का भान न होता, कोई भी ज्ञान लो। घटो अस्ति, घटो अस्ति मतलब अस्ति करे मतलब वर्तमान काल, अधुना घटो अस्ति स गतवान पूर्व काले गतवान तत्र भविष्यति यानी भविष्यत काले, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें काल का भान नहीं होता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते काल का इंद्रिय वेद्य नहीं है, काल निरूप होने पर भी इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन, काल को इंद्रिय वेद्य माना गया, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का विषय बनता है। इसीलिए नहीं तो हर एक ज्ञान में कोई भी व्यवहार, कोई भी व्यवहार, वो है वो जाएगा वो आएगा वो आ गया, कोई भी ज्ञान ऐसा ले लो जिसमें काल का भान न हो ऐसा बता नहीं पाओगे। हर एक ज्ञान में काल का भान होता है, कोई न सोचती प्रत्यय लोके यत्र कालो न भासते, ऐसा कोई प्रत्यय है ही नहीं जिसमें काल का भान न होता, सभी प्रत्यय में काल का भान होता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि निरूप काल भी इंद्रिय वेद्य है, इंद्रिय वेद्य है। इसलिए धारावाहिक बुद्धिरपि, इसलिए धारावाहिक बुद्धि स्थल में हर एक क्षण बदलते जा रहा है। अभी जो गंगा जी गए, कल जाओगे आपको लगेगी वही गंगा जी, लेकिन कल की गंगा जी अलग है, अभी की गंगा जी अलग,
और अभी भी धारा यद्यपि देखा जाए धारा भी बदल ही रही है, लेकिन गंगा जी तो वही है, ठीक है, लेकिन काल बदल रहा है ना। तो अभी इस क्षण में जो गंगा जी का गाल का ज्ञान हुआ, एतत् क्षण विशिष्ट गंगा, पूर्व क्षण में थी क्या? एतत् क्षण विशिष्ट गंगा पूर्व क्षण में नहीं थी। इसलिए ये जो इस क्षण में ज्ञान हुआ, इस क्षण में ज्ञान एतत् क्षण विशिष्ट गंगा को विषय करेगा, जो कि एतत् क्षण विशिष्ट गंगा पूर्व में नहीं थी। इसलिए नया नया विषय, विशेषण बदलने की वजह से विषय भी बदल गया। इसलिए धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्त क्षण विशेष विशिष्ट विषयत्व, धारावाहिक बुद्धि में भी पूर्व पूर्व ज्ञान का जो विषय नहीं है ऐसा तत्त क्षण विशिष्ट जो विषय, उस विषय विषयक होने की वजह से न तत्र अव्याप्ति, अव्याप्ति होगी क्या? अनधिगत, क्योंकि देखिए आप गंगा जी को जानते थे, लेकिन इसके पहले एतत् क्षण विशिष्ट गंगा को जानते थे क्या? इसलिए एतत् क्षण विशिष्ट गंगा को विषय करेगा इस क्षण वाला ज्ञान, अगले क्षण में फिर इस क्षण वाला विषय रह हट गया, तत्क्षण विशिष्ट वो विषय हो गया, और उस तत्क्षण विशिष्ट विषय को विषय करेगा उस क्षण वाला ज्ञान। इसलिए पूर्व पूर्व ज्ञान के अविषय जो उत्तर क्षण विशिष्ट अर्थ, उसको विषय करेगा तत्क्षण वाला ज्ञान। इसलिए अनधिगत विषयक होने की वजह से अव्याप्ति नहीं होगी। अव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति, अव्याप्ति लक्षण नहीं जा रहा था ना, अतिव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति करना, अव्याप्ति करना भाई, अतिव्याप्ति नहीं। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।